Hello everyone. So in today's video we are going to understand organization structure. ठीक है, मतलब कि संगठन की संरचना कैसे होती है. आज इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं. ठीक है, नाउ वॉट एग्जैक्टली द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट्स. सो इट डील्स विद ओवरऑल अरेंजमेंट्स. इट डील्स विद ओवरऑल अरेंजमेंट्स ऑफ इन एन एंटरप्राइजेस. मतलब कि जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं एंटरप्राइज में, उसका पूरा काम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करता है. मतलब हमें क्या करना है, एक ढांचा तैयार करना है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कार्य किया जाएगा. तो जैसा कि हमने पढ़ा है, देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप, मिडल एंड बॉटम. राइट, मतलब कि उच्च वर्गीय, देन मध्यम वर्गीय एंड निम्न वर्गीय. ठीक है, तीन लेवल्स होते हैं ना मैनेजमेंट के, प्रबंध के. तो उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर भी तैयार करना होता है. देखिए, पहले हम एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, संरचना कैसे होती है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. फिर हम अपने अगले वीडियोस में उन संरचनाओं की, उन स्ट्रक्चर्स की टाइप्स देखेंगे. ओके, देखिए, अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, OS मींस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. उसमें सबसे पहले टॉप लेवल पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं. इस तरीके से चलता है आपका स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनता है. राइट, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आल्सो. ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, टॉप लेवल पे है. देन दीज आर द मैनेजर्स. ओके, दीज आर द मैनेजर्स. ठीक है, तो टॉप लेवल पे ये है, ये अथॉरिटी दे रहे हैं. हमेशा बेटा, हमेशा याद रखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, उस पे ही आपका जो है स्ट्रक्चर तैयार होता है. ठीक है, कि कौन किसको अथॉरिटी देगा, पावर देगा, अधिकार देगा, और कौन अपने अधिकार पाने के बाद अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके किसको रिपोर्ट करेगा. ठीक है, सो हियर टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसमें आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल. देन मिडिल लेवल में आते हैं मैनेजर्स एंड ऑल, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. इस टाइप से जो भी मैनेजर्स आते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहते हैं, समतल लाइन पे रहते हैं. ठीक है, देन उनके नीचे, जैसे अगर मार्केटिंग मैनेजर की बात कर रही हूँ तो उनके नीचे रहेंगे सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर. सेल्स मैनेजर के नीचे फिर सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स सुपरवाइजर. इस तरीके से कैसा है आपका स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है. आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये वर्टिकली चल रहा है. ठीक है, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर अथॉरिटी दे रहा है मार्केटिंग मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर अपने, मतलब क्या हो रहा है, दिस आर द डिवीजन, यू कैन से डिवीजन ऑफ वर्क एज वेल एज यू कैन से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. श्रम का विभाजन कर रहे हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है तो आपको आपकी अथॉरिटी डेलीगेट करके ही काम करना पड़ेगा, जिससे कि सब लोग मिल करके उस डिपार्टमेंट के काम को, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को अंजाम देते हैं. ठीक है, रिजल्ट देते हैं. सो मैनेजिंग डायरेक्टर, देन मार्केटिंग मैनेजर, यू कैन से एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग. देन ये किनको अथॉरिटी दे रहे हैं, सेल्स मैनेजर को, सेल्स मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर को. इस तरीके से टॉप टू मिडल, मिडल टू बॉटम, ऐसे जो है आपका स्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है. फिर आप जैसे सपोज कर लो कम्युनिकेशन करना है आपस में, तो दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. प्रोडक्शन मैनेजर जो है कम्युनिकेट कर सकता है मार्केटिंग को, भाई ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं, विभाग रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना. क्योंकि वर्कर वर्क क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो सबका सबसे संबंध होता है. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, ऐसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तैयार होता है. और दूसरा, कम्युनिकेशन की जब बात आती है स्ट्रक्चर के थ्रू, तो इस तरीके से आप एक से एक आप हॉरिजॉन्टली जो है कम्युनिकेट करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को रिजल्ट दे सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस पर हम बात करने जा रहे हैं. सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ
ऑफ ग्रुप। ठीक है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर देखा उसमें टॉप मिडिल एंड बॉटम लेवल की हमने बात करी, तो वो स्ट्रक्चर उन सबके रिलेशनशिप जो है इन दोनों उन तीनों लेवल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है, राइट। द नेक्स्ट वन इज नीड्स टू अटेंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। क्यों बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, कि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को पूरा करना हमारी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ठीक है, देन कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स, ऑब्वियसली वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन टू और मोर देन टू मेंबर्स आर वर्किंग टूगेदर, आर कमिंग टूगेदर फॉर अचीविंग एन कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, इट इज नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स वाई कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स, कोऑपरेशन यू कैन अंडरस्टैंड एक दूसरे को का साथ देना, मेंबर्स का साथ देना, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें सिखाया जाता है कि कैसे एक दूसरे को साथ दे करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं, अचीव करने तक, राइट। देन फॉर्मल रिलेशनशिप, या ऑब्वियसली फॉर्मल रिलेशनशिप मतलब द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल शो दैट हु इज द बॉस, हु इज द एम्प्लॉय। बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप को ये शो करता है, राइट। देन कम्युनिकेशन, या मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरीके से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द लेवल्स विल बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो इन दिस वे वी हैड कम्प्लीटेड द स्पेशल फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।